गाइस आज के इस वीडियो में आपको पाकिस्तान से जुड़े कुछ ऐसे रोमांचक फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपको काफी हैरान कर देंगे। तो अगर आप भी पाकिस्तान से जुड़े ऐसे ही रोमांचक फैक्ट जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। गाइस क्या आपको पता है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बिना परमिशन के किसी का फोन आप छूते हैं तो वह पाकिस्तान के हिसाब से गैर कानूनी माना जाता है। इसके लिए 6 महीने की आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान में किसी का फोन बिना किसी के परमिशन से छूते हैं तो आपको 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। गाइस पाकिस्तान अपने किसी नागरिक को इसराइल जाने का वीजा नहीं देती क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से इसराइल कोई देश है ही नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री कहता है कि इसराइल कोई देश ही नहीं है, इसलिए हम आपको इसराइल जाने का वीजा नहीं दे सकते। फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि अगर आप पाकिस्तानी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई पर 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो रहा है तो आपको सरकार को 5% टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ का नियम ही कुछ ऐसा है कि अगर आपकी पढ़ाई में 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं तो आपको पाकिस्तानी सरकार को 5% का टैक्स देना पड़ता है। गाइस अगर आप पाकिस्तान में पीएम का मजाक उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी वहाँ पे खैर नहीं होती क्योंकि इसके लिए आपको अच्छा खासा जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान में पीएम का मजाक उड़ाते हैं और किसी अधिकारी के द्वारा आप पकड़ ली जाते हैं तो आपको वहाँ पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाइस दुनिया में मात्र पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ आप राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी योग्यता की जरूरत नहीं होती है, यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप बिना पढ़े लिखे भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। गाइस पाकिस्तान में कुछ अरबी शब्दों जैसे अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना गैर कानूनी माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अल्लाह, मस्जिद, रसूल या फिर नबी जैसे शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको वहां पर जेल भी हो सकती है। गाइस व्हाट्सएप पर हम सभी मैसेज को बिना पढ़े बिना कुछ करे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में आप किसी भी व्यक्ति को फालतू के मैसेज नहीं भेज सकते हैं। अगर आप फालतू के मैसेज करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप पाकिस्तान में फालतू के मैसेज किसी को भेजते हैं और वह पुलिस में शिकायत करता है तो आपको 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ये रहे पाकिस्तान से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप फैक्ट से जुड़ी ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी फैक्ट से जुड़ी इस तरह की धमाकेदार वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।